वेलकम बैक टू द चैनल तुलनाडु वंडर गाइस। आज हम जा रहे हैं एक्वेरियम शॉपिंग विद बीविसा, जिनको मेकअप करने में लग गए 2 घंटे। भाग रही है तो अभी फाइनली मेरी बीवी को बड़ा शौक है एक्वेरियम का, फिश पालने का। सो लेट्स गो, चलते हैं एक्वेरियम। एक आध एक्वेरियम घूमेंगे, मोस्टली वो फिश हो, नॉट फ्लावर हॉर्न, दैट विच वी विल डेफिनेटली ब्रिंग, दैट फाइटिंग वन, या वो फाइटर फिश, वो जो बहुत 2-3 रंग होते हैं उसमें बहुत सुंदर दिखता है, तो वो तो उठा के लेके आएंगे ही। और दूसरा फ्लावर हॉर्न ढूंढ रहे, फ्लावर हॉर्न मेल, लेट्स सी मिलता है तो लेके आ जाएंगे। जो भी होगा आप लोग देख ही लोगे। सो एंजॉय दिस व्लॉग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा हम लोग जा रहे थे फिशिंग के लिए। सो फर्स्ट एक शॉप में गए हम लोग गाइज, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा ऑफकोर्स, क्या फ़ायदा, कोई बुरा लगेगा, लिया विया कुछ नहीं, ब्लॉग में नाम ले रहा है। सो यार पहले एक शॉप में गए, उनके पास फिश तो था फ्लावर हॉर्न जो हमको चाहिए था, पर टैंक उनके पास रेडी नहीं था 3 फिट। सो इसके लिए फिर हम लोग दूसरे शॉप पे गए, मे बी कहीं मिल जाए कि बार में काम हो जाए। फिर सेकेंड हम लोग एक और शॉप में गए, जो आप अभी देखोगे गाइस। इस शॉप पे भी हम लोग को फिश तो मिला नहीं और टैंक तो था ही नहीं इनके पास, सब कुछ बनाना था। फ्लावर हॉर्न मतलब ये मंगा के दे सकते थे नेक्स्ट डे ही, बट हमको ऐसा था कि टैंक वैंक सब एक जगह ही मिल जाए तो कोई सीन नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा और थोड़ा डिस्काउंट भी मांग सकते हैं। तो फिर स्वाति ने कहा कि मैं एक शॉप पे गई थी कुछ 6 महीने पहले, जो कि एक घर है और अंकल का प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है रादर देन शॉप्स एंड ऑल, सो वहाँ जाके ट्राई करते करके। तो बेसिकली इट वाज फिश एंड फन, जो आपको गूगल मैप्स में मिल जाएगा। तो हम लोग वहाँ गए एंड ऑलरेडी 9 बज गए थे, तो फिर वहाँ गए हम लोग। तो ये थोड़े शॉट्स आप देखो जो फिशेस विशेस के थे वहाँ पे, ये वाले शॉट्स देखो। अंकल के पास गए हम लोग, उनके पास सब कुछ था एंड फॉर आर लक उनके पास एक 3 फिट का टैंक रेडी भी था, तो हमको सही लगा। फ्लावर हॉर्न भी था उनके पास, बट हमको जैसा चाहिए था वैसा नहीं था, तो उन्होंने बोला ठीक है सैटरडे तक रुक जाओ मैं मंगा दूंगा। और सो गाइस 2-3 दुकान जाने के बाद हम लोग एक घर पे आए फिश देखने के लिए। अंकल जी बहुत ज़्यादा बड़े फिश लवर लगे, बट लाइट नहीं थी तो व्लॉग करने का तो कोई फ़ायदा था ही नहीं। एक्चुअली लाइट गई है, बारिश हो रही है ना, सो लाइट गई थी तो फिर हमने सोचा क्या ही व्लॉग करेंगे अभी, तो इसके लिए तुम लोग को बता नहीं पाया। बट यस, हम लोगों ने टैंक बुक कर दिया है, प्राइस हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, वी आर एम्बार्गोड, क्योंकि डील तो हम कहीं भी कर ही लेते हैं ना गाइस, यू नो जुगाड़ू उज्ज्वल। तो यस, तो फाइनली एक्वेरियम बुक कर दिया है, एक फ्लावर हॉर्न भी अभी थोड़ा अलग कलर का देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कहीं से मिल जाए तो, क्योंकि नॉर्मल सबके पास पिंक होता है ना, नॉर्मल पिंक रेड होता है, तो हम लोग वो ब्लू वाला ट्राई कर रहे हैं। ब्लू राइट, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू हाँ, ब्लू और डार्क ऑरेंज ट्राई कर रहे हैं। लेट्स सी, मिलता है तो ठीक है, बट ये व्लॉग साथ में ही आएगा तो तुम लोगों को पता ही चल जाएगा मिल गया करें, क्योंकि इतना बड़ा व्लॉग बन नहीं रहा कि मैं दो बना दूं। सो यस, सैटरडे को मिलते हैं विद आर न्यू फिश टैंक, न्यू फिश एंड न्यू फिशेस, 2-3 लेंगे मोस्टली। मेरी बीवी बहुत बड़ी फिश लवर है, सो उसकी देन है, लेट्स सी, मिलते हैं आगे। तो गाइस फाइनली वापस कंटिन्यू कर रहे हो वीडियो, मंडे को वो वाला वीडियो शूट किया था, आज फ्राइडे है, नहीं आज सैटरडे है, सैटरडे, तो आज कंटिन्यू हो रहा है ये वीडियो।
सो लेट्स सी, आपको दिखाते हैं थोड़ा एक्वेरियम का सेटअप गाइस, थोड़ा सा देखूं। दिस इज आवर एक्वेरियम नाउ। वहाँ थोड़ा सेट करने का प्लान था बट वो जगह छोटा पड़ गया हमें। अभी कुकर वुकर नया है, इसके लिए चीज़ें पड़ी है, तो ये मत बोलना वो जो घर गंदा रखता है। अभी मेन यहाँ पे ये जो सीट था ना, इसको कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे चप्पल पहनने के लिए मैंने ये बनाया था, तो अभी ये थोड़ा अभी चेंज हो गया। अभी थर्मोकोल बराबर से काटे से थोड़ा गंदा हो गया है घर, बट यस, ये बेसिकली ये भी एक्वेरियम का मतलब शेल, द बेसिक ग्लास वाला हिस्सा है। 8 mm थिकनेस का लिया है हमने इसे, ताकि थोड़ा ड्यूरेबल रहे। अरे माँ कसम, मेरी मच्छी के साथ ये कीड़ा कहाँ दौड़ रहा है। ओए, यू आर डेड ब्रो, तुम मुझे अच्छे के हाथ से मारे हो। आई एम नॉट अ मर्डरर, पेटा वाले केस मत कर देना। जहाँ करना चाहिए वहाँ तो केस करते नहीं है, बस जहाँ इनकी चलती है वहीं केस करते पेटा वाले। हैशटैग नो पेटा। सो यस, अभी रुको, और रॉक्स वो सब लाते, फिश विश सब लाते। मैंने बताया ना तुमको फिश कौन सी है। सो यस, अच्छी खाना बन रहा है। ऑलरेडी 11 बज गए, मैं मैसूर गया था, लेट आया, फिर हम फिश लेने चले गए तो खाने में थोड़ा लेट हो गया। देखो 11 बज रहे। थोड़ा हमारा लाइब्रेरी का सेटअप है, नीचे वाईफाई है, नीचे द रिमेम्बरेंस ऑफ माई डॉग मैक्स, जिसको मैं कहीं छोड़ता नहीं हूँ। तो ये हमारा थोड़ा सेटअप है। बाइक का भी थोड़ा सेटअप, कहीं और शिफ्ट हो जाएगा। चीज़ें चल रही है अभी, वर्क इन प्रोग्रेस। सो यस, एंड दिस वन, ये मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया था। अगर आपको उससे ऐसी चीज़ें करवानी है तो इट्स अवर इंस्टा हैंडल aesthetic_doodle_art01। सो या, लुक एट दिस अमेजिंग, शी हैज़ पेंटेड इट। या ये जो ये प्रिंट किया है हमारी फोटो एंड जो आउटलाइन है उसने खुद पेंट किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड एट दोज थिंग्स। अगर आपको कुछ ऐसा बना हो तो डू कॉन्टैक्ट हर गाइस। ये आ गई है चीज़ें। सो दिस वुड बी द स्टोन नीचे के लिए, एक्वेरियम के लिए। सो मिक्स और वाइट भी हमने खरीदा है, मिक्स ज़्यादा प्रेफर किया, थोड़ा कलर लगेगा करके। एंड दिस वुड बी अ शिप फॉर आर फिश। सो फिश अभी तक रिवील नहीं की है, यहाँ पड़ी है बट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं। जस्ट स्टॉप सीक वेट, एक आध फिश दिखा दूंगा। सो दिस इज द टैंक का, व्हाट इज दिस फिल्टर, आई फॉरगेट थिंग्स गाइस। दिस इज द लाइट, थोड़ा कॉस्टली वाला लिया है हमने बट आता चाइना का माल ही है, क्या कर सकते हम इंडिया वाले, अब तक कुछ बनाएंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। फिर ये है फिल्टर उसका, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि मैडम पत्थर डाल रही है। सो सिर्फ ये स्पंज क्लीन करके डालना, थोड़ा महंगा वाला फिल्टर है तो यही ले लिया। दिस इज फिश नेट, दिस इज आर टू ब्यूटिफुल एंजल फिशेस, वन इज टोटली रेड। हाँ नहीं, मुझे सिंपल कलर पसंद नहीं है बट ठीक है, अभी मैडम का सुनना पड़ता है हमको शादी के बाद, यू नो। और ये एक और, दिस इज माय चॉइस, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैग्निफिशेंट लिटिल थिंग, लुक एट, अरे यार फोकस हो जाए यार, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मैग्निफिशेंट थिंग गाइस। थोड़ा गंदा है ऑफकोर्स, ट्रैवलिंग से आया है भाई साहब, फ्रेश स्टॉक लिया है हम लोग ने गाइस। और ये दो छोटे छोटे इनके लिए प्लेसेस रखने के लिए, दिस इज हीटर एंड दिस इज वन मोर दूसरे के लिए, हमारे दूसरे दो फिशेस लिए ना हमने, फाइटर फिश उसका खाना, फाइटर फिश का। Wow, guys, and this is for our woman. Top secret reveal. Flower horn liya humne basically. The flower horn ka food hai. Aur ye thodi unhone cheeze di hai fish mein, aquarium tank mein dalne ke liye. Aur basically cheeze to set ho gayi hai, but abhi mujhe ek gadbad pata chali hai. Iske liye kya karu samajh nahi aa raha hai. सो गाइज, हमारा मेन एक्वेरियम कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो तो। दैट इज़ आवर संकन ओल्ड शिप, दिस आवर फिल्टर,
ऊपर और ढक्कन लगाना बाकी और हमारी फिश डालना बाकी है, फिल्टर विल्टर लग गया और एक लाइट डालना बाकी है बस। तो अब नमक डाला जा रहा है इधर। व्हाई डू यू पुट दिस रॉक सॉल्ट? प्यूरिफाई आवर वाटर। हाउ वुड आई नो दैट? सो दिस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। क्या बात है, फंगस के ट्रीटमेंट वाला लिक्विड डाल दिए। अभी थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा आप लोग को, बट फिल्टर हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। और रॉक्स का थोड़ा उन्होंने क्लीन करके तो दिया था, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो गया रॉक्स में पानी डालते। सो लेट्स सी, हो जाएगा थोड़ा टाइम में। फिर पुटिंग द लाइट्स, लाइट भी फिट हो गई है, प्लीज स्विच ऑन। आओ अवे बटन होना था रेड कलर था लेफ्ट। Look at that. What a whoop. Another thing. Sexy. Yeah, it's just a fun. RGB bhi hai. Oh my god. Ah, look. Ah, this one looks sexy. I think we should place the light in the middle. It's somewhat on the right side. Yes. So guys, ignore the clutter. But this is our one beautiful fighter fish. ये देखो। Wow, sir ji, how are you? Wow, the amazing blue. Sir ji, wow, such beautiful creature, man. Whoa, sir ji, the amazing blue scales. Sir ji, how are you? I am under the water and I am imaging. यार ये ट्रायंगल है, इसके लिए थोड़ा से illusions type बन रहा है। देखो मस्त, ये यार इस पर एग्जैक्ट लाइट गिरना चाहिए जी। जरा वाओ, लुक एट दैट रिफ्लेक्ट अप। वो ट्रायंगल उंडा था उन्ना उन्न। हाँ वो देखो, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज इट्स रियल कलर। पानी क्यों मैक्रो में ऐसा दिख रहा है? ये देखो ये वाला, वो अब दिख रहा है। Isn't that amazing? दिस आर मच्छी फ्लावर हॉर्न भाई, ऑक्सीजन तो मिला नहीं लगता बहुत टाइम से। ये देखो हाउ मैग्निफिसेंट एंड ब्यूटिफुल इट इज, सेक्सी। अभी लाइट चेंज करेंगे तो ब्लू कलर की दिखेगी, नॉट वाइट बल्ब लाइट। वेयर द एफ इट्स गॉन, कम बेबी बसा हुए पड़ रही थी। देखो अभी ब्लू दिखेगी। पानी अभी थोड़ा क्लीन होना पड़ेगा और फिल्टर होके कैन आई से इट। हाँ अब देखो ब्लू दिख रहा है गाइस। वो लुक एट दैट स्टनिंग यू। दिस कलर के लिए हम लोग कितना दिन रुके? 5 दिन रुके जस्ट फॉर दिस कलर। वाओ लुक एट दैट गाइस, वाओ मैग्निफिसेंट। आवर मैग्निफिसेंट फ्लावर हॉर्न गाइस। सैटरडे तक रुके तो अभी जो हमारा फ्लावर हॉर्न है जो कि आपने देखा तो वो हमें मिल गया। और पूरा टैंक सेटअप से लेके ए टू जेड क्या करना है उन्होंने सब कुछ बताया बहुत ही अच्छे से। एंड प्राइस भी ओके था, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कम वम नहीं था, बट ठीक है हमने थोड़ी चीज़ ज़्यादा दी तो उन्होंने थोड़ा डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि ऑफकोर्स अराउंड 15K जैसा बिल हो गया हमारा, तो ऑफकोर्स थोड़ा तो डिस्काउंट देना पड़ता है ना। हम भी तो बार्गेन करेंगे भाई, बेड़े पे तो लगते नहीं, मनी प्लांट पे तो पैसे लगते नहीं है गाइज। तो हाँ, तो फिर उन्होंने फिर दिया डिस्काउंट, इसके लिए फिर
हमने वहीं से लिया, काफ़ी रिजनेबल लगा हमको प्राइस उनका, तो इसके लिए फिर मतलब प्राइस रिजनेबल नहीं बट हाँ एक वन स्टॉप सोल्यूशन जैसा लगा। और लिटरली उनके पास इतने सारे टैंक थे, इतने सारे फिशेस थी, ओ माय गॉड, आई थिंक उडुपी का तो सबसे बड़ा शॉप है वो, मतलब शॉप नहीं है, घर पे ही उन्होंने बनाया, बहुत सालों से है अंकल बिजनेस में, ऐसा उनका कहना है। तो यस, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है भाई, एकदम फिश एंड फन करके आपको मिल जाएगा। थैंक यू अंकल फॉर सच एन अमेजिंग सर्विस।